सर आप सभी को मालूम है पिछले 20 दिनों से बहुत बड़े पैमाने पे गेस्ट लेक्चर्स जो उन्हें सेवा भद्रता देना और जो उन्हें परमानेंट नौकरी देना बोल के जो अतिथि उपन्यासक जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे 15 से 20 दिनों तक उन्होंने प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं ये ताकि इसके इसी सिलसिले में क्लासेस नहीं चल रहा है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उनके डिमांडों को इमीडिएटली पूरा करने के बजाय उन्होंने पूरे के पूरे उनके मांगों को साइडलाइन किया जा रहा है और साथ ही साथ ये जो मूवमेंट चल रहा है इसको दिखा तक नहीं रहे। इसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे कल भी गेस्ट लेक्चर का गुलबर्गा में प्रोटेस्ट हुआ, हम भी उनके साथ ठहरे हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले सभी लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होकर AIDSO स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में हम यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट ले रहे हैं ताकि इमीडिएटली गवर्नमेंट अतिथि उपन्यास गेस्ट लेक्चर्स का जो मांगों को इमीडिएटली पूरा किया जाए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर को सेव करने के लिए और नेक्स्ट जनवरी फरवरी में उनका एग्जामिनेशन भी आ रहा है, इमीडिएटली उन्हें एजुकेशन अच्छी तरह से इजी तरह से कंप्लीट करने के लिए उन्हें सहूलियत देना चाहिए बोल के मैं मांग कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। अगर ये नहीं हो पाया तो आने वाले दिनों में इससे भी हजारों संख्या में स्टूडेंट्स लोग रोड पर उतरने के लिए आप मौका मत दीजिए बोल के गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हनुमंत एसएच AIDSO डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कलबुर्गी। गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से हूँ। हमारे क्लास में कोई भी क्लास टाइम टू टाइम नहीं चल रही है, कोई भी टीचर नहीं आ पे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में परमिट नहीं कर रहे हैं टीचर्स को, गेस्ट टीचर्स ही ज़्यादातर है हमारे पास। ना उनकी पेमेंट ना ही बढ़ा रहे हैं, कुछ भी क्लास टाइम टू टाइम नहीं चल रहे। हम लोग आते हैं, एक क्लास होती है, वहाँ से चले जाते हैं, ऐसा चलिया तो कैसा। हमारे अब थोड़े दिन आगे बाद इंटरनल्स है और 2 महीनों के बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स है, कैसा करना हम लोग। 20-25 ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಮುಗಿದೇನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ದಾನೆ ಇರಲಿ ನಡೀತದ, ಬಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರ. ಡೇ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9-9:30 ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅವ್ರು ಈಡೇರಿಸೋಲ್ವೋ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ತುಂಬಿ ಹರಿತದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದಾಗಿ.